हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है लेमन फार्मिंग, नींबू की उन्नत खेती। स्वागत है आपका एक और हॉर्टिकल्चर बागवानी पर, जिसमें आपको बतलाएंगे नींबू की उन्नत खेती। नींबू के बाग से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई, नींबू की खेती कब और कैसे कर सकते हैं? जलवायु, तापमान, भूमि के साथ साथ उन्नतशील किस्में, पौधे कहाँ से खरीद सकते हैं, बुआई के समय कौन कौन सी खाद दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, खाद दवाइयों का संतुलित मात्रा पर इस्तेमाल किस प्रकार करना है, ऑर्गेनिक तरीके से आप नींबू खेती कैसे कर सकते हैं, कटिंग प्रूनिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, साथ ही बात करेंगे एरीगेशन, फर्टिगेशन, स्प्रे शेड्यूल, लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, पौधे की केयर कैसे करना है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और भी जो केयर्स होती हैं, और भी साथ ही दोस्तों जो डिजीज़ आते हैं उनका आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे नींबू की वैज्ञानिक खेती। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग, हर एक फसल के लिए, हर एक बागवानी के लिए टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। वैसे तो नींबू की आप प्लांटेशन 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन इसकी रोपण की सही और एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो बरसात के लिए जून से जुलाई के मध्य, यह 2 महीने काफ़ी अनुकूल माने जाते हैं, और गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। यही सही टाइमिंग है। बाकी अन्य महीनों पर दोस्तों आप पौधरोपण करेंगे तो डंपिंग ऑफ की समस्या आएगी, यानी पौधा सूख जाएगा। इसके अलावा जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो नींबू की फसल ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की क्रॉप है, और यह अनउपजाऊ भूमि या फिर असिंचित भूमि पर भी सफलतापूर्वक ग्रो हो जाती है या फिर मुनाफा दे सकती है। और ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों में से भी एक बागवानी है नींबू की फसल। काफ़ी अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ समस्या भी आती हैं, तो उनका इलाज निवारण भी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको एकदम सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी डिटेल के साथ मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है, 45 तक जो टेम्परेचर रहता है, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है या फिर चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो नींबू की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, बलुई दोमट, लेकिन काली दोमट भूमि काफ़ी अच्छी मानी जाती है और पीली भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो भूमि में ठीक तरीके से खेत को आपको समतल कराना है और 1 से 2 बार प्लॉविंग कराना है, जुताई कराना है, कल्टीवेटर तोताल से 1 से 2 जुताई कराकर पाट लगाकर खेत को समतल करा दीजिए। मिट्टी यदि भुरभुरी नहीं है तो हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से आप मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे फसलों की, तो फिर नींबू की खेती आप करें। यदि आप बिजनेस वाले हैं, जॉब वाले हैं, तो फिर नींबू की खेती भी आप कर सकते हैं, लेकिन तारबंदी करा दीजिए, प्रॉपर ड्रिप बिछवा दीजिए, जिससे ज़्यादा देखभाल ना करना पड़े, प्रॉपर सिंचाई होती रहे और ज़्यादा मतलब केयर नहीं लगती है नींबू की फसल पर, तो आप नींबू की खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो वैसे तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली कुछ गिनी चुनी ही किस्में हैं, जैसे कि सदाबहार नींबू आता है, कागजी नींबू, बारहमासी नींबू, और साथ ही साई सरबती नींबू आता है, प्रमालिनी नींबू आता है। तो जो 5-6 वैरायटी बतलाई हैं, सबसे ज़्यादा कागजी नींबू और बारहमासी नींबू और सदाबहार नींबू, यह 3 वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं। क्या आप भी नींबू की खेती कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी को लगा रखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो भी आप बागवानी खेती कर रहे हैं बेड तैयार करें, और बेड के ऊपर यदि आप पौधरोपण करेंगे
तो फिर जड़ों का विकास अच्छा होगा, जल भराव नहीं होगा। तो इसके लिए बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स हैं, आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 12 से 14 फीट रखनी चाहिए। बेड की ऊंचाई तकरीबन आपको 1 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार करानी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जब पौधरोपण आप कर रहे हों उस समय इन खादों का आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे गोबर की खाद 5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 200 ग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 150 ग्राम और सरसों की खली 1 किलोग्राम प्रति पौधा आपको रोपण करते समय प्रयोग करना है। और जो रोपण जब आप कर रहे हों इन सभी को मिक्स करना है। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हों और पौधरोपण करने से पहले 2x2 का गड्ढा खोद लीजिए। उसके बाद दोस्तों 30 दिन की तेज़ धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब पौधरोपण आप कर रहे हों तो गड्ढे को आधा मिट्टी से भर दीजिए और जो हमने कॉम्बिनेशन बतलाया, जो खादें बतलाई हैं, इन सभी को मिक्स करके प्रति गड्ढा दे करके सिंचाई करके पौधरोपण करने से काफ़ी बढ़िया तरीके से पौधा बढ़वा लेता है। पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए और बांस के एक टुकड़े भी आप गड़ा सकते हैं यदि पौधे की हाइट ज़्यादा है और बांध दीजिए। इससे पौधा लचकता नहीं है, टूटता नहीं है और ना ही गिर पाता है। और पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। और स्टार्टिंग पर जब आप पौधरोपण करते हैं तो सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन खादों को देने से काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। नर्सरी प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो जो नर्सरी ये पौधे हैं या तो 4 से 5 साल पुराने पौधे से भी आप कलम निकाल सकते हैं या फिर बागवानी हॉर्टिकल्चर नर्सरी से भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। प्रति पौधा 25 से 30 रुपये के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। 25 रुपये के आसपास, 30 रुपये के आसपास प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है। पौधा आप खरीद लीजिए और आप बीजू पौधे को मत लगाइए, वो काफ़ी लंबे समय पर फल देते हैं। इसलिए आप जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, नर्सरी से तैयार किए गए पौधे होते हैं, उन्हीं को आपको लगाना चाहिए। प्लांट ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। पौधा उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सूखने की समस्या नहीं आती है। तो पौधे पर स्वस्थ अंकुरण हो या फिर स्वस्थ जड़ों का फुटाव हो इसके लिए 10 लीटर पानी लेना है और 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा में घोल बना करके जड़ों को डुबो डुबो करके आपको प्लांटेशन करना चाहिए। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट रखते हैं तो एक एकड़ में लगभग 190 से 200 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो एक एकड़ में लगभग आपको 200 पौधे लगाने चाहिए और यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। लान से लान की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 15 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप एरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 20 mm जो बटन वाली ड्रिप आती है, टपक सिंचाई पद्धति से खेती करने पर 20 mm ड्रिप को आप लगा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं। सिंचाई स्टार्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा केयर रहती है। 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए और फ्लैट एरिगेशन से 20-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। नींबू को आप स्प्रिंकलर विधि से स्प्रिंकलर सिंचाई ना करें, बाकी ड्रिप और फ्लैट एरिगेशन नाली विधि, क्यारी विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टार्टिंग पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पौधा अच्छी बढ़वार लेता है। खरपतवार रोकथाम के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। यदि खरपतवार रहते हैं नींबू की फसल पर तो रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ता है, नींबू की फसल बढ़वार नहीं ले पाती है। तो निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहें, टॉप ड्रेसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। नींबू की फसल पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है स्प्रे शेड्यूल। तो नींबू की फसल पर स्टार्टिंग पर तो आपको स्टिकी ट्रैप, नीला ट्रैप, पीला ट्रैप और जो भी ट्रैप आते हैं, चाहो लाइट ट्रैप के ऊपर बात करें तो इनका आपको इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। बीच बीच में गेंदे की लान को भी आप लगा सकते हैं। और जो फर्स्ट स्प्रे 4 से 6 माह के बाद आपको फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए। बायर कंपनी की सोलमन 12 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। और फसल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से पहले जैसे नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, एक तारा है, मीडा क्लोरपेड है, इनको आप प्रति लीटर
1 ml या फिर 1 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर बायर कंपनी की प्लान इफेक्स 5 ml, UPL की लांसर गोल्ड 35 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो जैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से नींबू की खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में ट्राइकोडर्मा को चलाइए, गन्ने के गुड़ को चलाइए। इसके अलावा साथ ही जीव अमृत है, इनका प्रयोग करना चाहिए। सागरी का दानेदार का इस्तेमाल करना चाहिए। सीवीड एक्सट्रैक्ट है, माइकोराइजा है, तो इनका इस्तेमाल तो आपको करना ही करना चाहिए। बीच बीच में वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ की खाद है, सरसों की खली है, नीम की खली है, गोबर की खाद, इनका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो। एवं रासायनिक तरीके से यदि आप खेती कर रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको DAP, यूरिया, SSP, MOP, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, इनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन की। नींबू की फसल पर कौन कौन सी बीमारी, रोग, डिजीज आते हैं? प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा लीफ स्पॉट, एफिड जैसेड, फल मक्खी, झुलसा, ब्लाइट, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, पीलापन और वाइट ग्रप समस्या देखने के लिए मिलने लगती हैं, और पत्तियां मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, सकिंग पेस्ट का प्रकोप है, वाइट फ्लाई भी आती है। तो बीमारी तो कई हैं। तो फ्रूटिंग स्टेज से 15 दिन पहले सिजेंटा कंपनी की कल्टार को आपको एक काम करना है कि फ्रूटिंग ठीक तरीके से सेट हो। तो फ्रूटिंग स्टेज से 15 दिन पहले सिजेंटा कंपनी की कल्टार 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके, जो 200 लीटर घोल है इसको आपको 1 एकड़ में सॉयल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। इससे जो फलों की और फूलों की संख्या में वृद्धि होती है, ड्रॉपनेस की समस्या भी नहीं आती है। यह जो दोस्तों हमने कीटों के नाम बतलाए हैं स्टार्टिंग पर, इमीडा क्लोरप्रेड है, एसीटाइमप्रेड है, थर्मोथॉक्सम है, प्रोफेनोफॉस है, साइपरमेथ्रीन है, इसके अलावा एमामेक्टिन बेंजोएट, इनको आपको बदल बदल कर स्प्रे करते रहना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर। तो आपको बीच बीच में जब 5-7 महीने के आसपास का पौधा हो जाए तो 5 किलोग्राम प्रति पौधा जो गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करनी चाहिए। और साथ ही आपको 1 साल में लगभग 3 से 4 बार इस खाद का कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरिया 30 किलो, गोबर की खाद लगभग 1 ट्राली और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, इनको आपको 1 साल में 3 से 4 बार इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और बीच बीच में यूरिया सल्फर का भी आपको प्रयोग करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पर होती है जब फसल, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। कटिंग और प्रूनिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में, चौड़ाई में बढ़ता है। तो पौधा लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास का पौधा हो जाता है। पूर्ण रूप से स्वस्थ पौधे की ही आपको प्रूनिंग कटिंग करनी चाहिए। तो आपको कटिंग किस प्रकार करना है, तो कटिंग पौधा की जो हाइट है लगभग दोस्तों 1.5 फीट ऊंचाई से आपको कटिंग कर देना चाहिए। जो वाटर सूट्स होती हैं उनकी कटिंग कर देना चाहिए। इससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा टहनियों में, डालियों में और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लेकर वृद्धि करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या आती है। अब आपने कटिंग कर दी, कटिंग के बाद सिंचाई और एंटीबायोटिक का आपको स्प्रे करना चाहिए, जो कि आप खुद पर डोज देख रहे हैं। 15 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। नींबू की दोस्तों जैसे ही आप कटिंग करते हैं प्रॉपर आपको सिंचाई पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको करनी चाहिए। इससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लेकर वृद्धि करता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि हम 15x15 पर पौधे लगाते हैं, 190-195 पौधे ही लगते हैं और एक पौधे से, पूर्ण विकसित पौधे से 40 से 60 किलोग्राम फल हमको मिलना शुरू हो जाते हैं 4-5 साल से। यदि दोस्तों 50 किलो ही हम फल मान लेते हैं, 180 पौधे मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए लगभग 9 टन यानी 90 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप नींबू की खेती करते हैं, नींबू एक बागवानी क्रॉप है और प्रथम साल से लेकर 4 साल के मध्य जो लागत लगने वाली है 50,000 रुपये से लेके लगभग दोस्तों 80,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। बाकी हर साल जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी, तो 8-10 हज़ार रुपये हमारी लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि
30 रुपये केजी का रेट मिलता है, यानी 3000 रुपये कुंटल, और एक एकड़ में पैदावार होती है 90 कुंटल। अब जैसे जैसा पौधा विकास करता जाएगा उस हिसाब से दोस्तों हमारी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है प्रति एकड़, वो बढ़ने वाला है। 4 साल में 90 कुंटल के आसपास पैदावार होती है, तो 3090 का इंटू कर देंगे तो 270000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया, और हम लागत घटा देंगे 70000, तो 2 लाख रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन हर साल 70000 रुपये लागत नहीं लगेगी और हर साल लगभग 90 कुंटल से ज़्यादा ही पैदावार होने वाली, इस बात का ख्याल रखिए। आमदनी तभी अच्छी होगी जब पैदावार अच्छी होगी, बाजार भाव अच्छे मिलेंगे। तो ये मान लीजिए आगे 4 साल 5 साल बाद जब लागत कम लगेगी, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी अच्छी होगी, तो ये मान लीजिए एक एकड़ से नींबू की फसल से 5 लाख रुपये से लेके दोस्तों आप 6 लाख रुपये एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको नींबू की संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हैं या फिर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।